वेलकम टू आवर जनरल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज और एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। यूट्यूब का जो सीरीज़ बना रहा हूँ उसी से और एक नया वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बना सकते हो। ये एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बनाने का जो यूट्यूब का गाइडलाइन है, एडवर्टाइजर फ्रेंडली कॉन्टेंट गाइडलाइन जो क्या होता है, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस क्या होता है। यहाँ पे क्या है ना, आपको पहले YPPP मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मतलब मोनेटाइजेशन होना चाहिए आपके चैनल में। मतलब फुल ऐसा होना चाहिए कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गए, उसमें से आप पैसा कमा रहे हो, और ऐसा चैनल होना चाहिए आप एडवर्टाइजर फ्रेंडली होने के लिए। और इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगा, अगर एडवर्टाइजर फ्रेंडली के ऊपर आप नज़र नहीं रखेंगे तो आगे जाके आपका जो भी है चैनल जैसे भी चलता है उसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो के लिए आपको एडवर्टाइजर का जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं किया। और एक बात है, एडवर्टाइजर क्या चाहते हैं उसके ऊपर फॉलो नहीं किया, और जो जो टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया है आपने उस टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादातर एडवर्टाइजर आके ऐड दे सकता है या नहीं दे सकता है उसके ऊपर भी अगर डिसाइड ना करके वीडियो बनाया तो भी आपका रेवेन्यू कम हो जाता है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जाके। तो मैं यहाँ पे आज फुल लिस्ट फुल बताऊँगा कैसे आपको एडवर्टाइजर कंटेंट एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बनाना है और कैसे गाइडलाइन फॉलो करना है। ठीक है, चलिए फिर देखते। ये जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली जो कंटेंट है, यूट्यूब से बोला गया है कि आपने आपका चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए जो जो कंटेंट डालते हो वो कंटेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और दूसरे का कुछ कॉपी नहीं होना चाहिए। आप जो बनाएंगे वो सब कुछ यूनिक होना चाहिए, आप ही बनाएं ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आपका वीडियो अगर जो थ्रेशोल्ड है 4000 आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स, तो वो सब कुछ पूरा होने के बाद आपको रिव्यू के लिए जाता है आपका चैनल YPPP में। तो वो पॉलिसी फुल कंप्लीट हो जाता है, रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, तब जाके आपका मोनेटाइजेशन एनेबल होता है। उसके बाद जाके आपका जो जो कंटेंट बना हुआ है उसी कंटेंट के ऊपर ऐड चलाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे हो, आप अगर मेहनत करते हो तो पहले से मेहनत करना शुरू करते हैं सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए। अब जिस तरीके की वीडियो बनाएंगे उस तरीके के ऊपर फोकस यही करना है कि मुझे जो कंटेंट बनाना है उसी कंटेंट में अगर किसी ने ऐड चलाना चाहते हैं वो स्मूथली अगर ऐड चला पाए तो उसी के ऊपर डिपेंड देखते हुए आपने वीडियो बनाना है आपको पहले से शुरू करते। चले फिर उसके बाद आता है, मतलब मोनेटाइजेशन शुरू कर दिया, ऑन हो गया, एनेबल हो गए, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाते हैं आपको पैसा कमाने के लिए। जैसे कि ऐड, 6 तरह की ऐड होता है, 6 तरह की ऐड से पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पे और कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, चैनल मेंबरशिप होता है, सुपर चैट होता है, इवन क्रिएट योर ओन मर्च होता है, क्रिएटिव ऑल्सो यू कैन रन योर वीडियो एड्स, ऐसा भी होता है। और ऑफलाइन भी बहुत सारा कुछ होता है, किसी ने आपके चैनल पे अप्रोच करके बोला है कि आप ये मुझे ये प्रोडक्ट प्रमोशन कर दो, ऐसा कुछ है। इस तरह की बहुत सारा इनकम होता है ऑफलाइन में, जो यूट्यूब ऑफिशियल है, ऑफिशियल का इनकम जो है यहाँ पे मैं बता दिया आपको, प्रीमियम मेंबरशिप, चैनल मेंबरशिप जो होता है, सुपर चैट, और इवन क्रिएट योर ओन मर्च, और वीडियो एड, 6 तरीके की जो ऐड होता है, सब कुछ के थ्रू आप पैसा कमा। ये देखिए, इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम एड्स ऑन यूट्यूब योर कंटेंट मस्ट फॉलो यूट्यूब एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइन कंटेंट। ये जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन है उसी का जो आप अगर वायोलेशन करेंगे तो आपके वीडियो में ज़्यादा ऐड नहीं चलेगी, ऐड नहीं चला पाएंगे वो लोग, तो आपका रेवेन्यू यहाँ पे कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसी के हिसाब देखते हुए, नज़र रखते हुए आप रिलेवेंट वीडियो बनाएं और ऐसा टॉपिक चूज करें वीडियो की, ताकि आपके चैनल पे आके वीडियो एड्स चला सकते हैं, किसी ने भी ऐड चला सकते हैं, और एडवर्टाइजर भी ऐप पे आके एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप वीडियो बना सकते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, वो जो पहले बताया मैंने वो भी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एडवर्टाइजर गाइडलाइन फॉलो कर लीजिएगा, आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट में ऐसा वर्ड ऐसा सेंटेंस होना चाहिए कि एडवर्टाइजर का रिलेवेंट है, अगर रिलेवेंट रहेगी तो एडवर्टाइजर के लिए सुविधा हो जाएगी कि आपके चैनल पे आके जल्दी या तुरंत इजी प्रोसेस में ऐड चला दे आपके चैनल पे, ज़्यादा इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बोलना पड़ेगा कि आपको मुझे देख के डिसाइड करके जो कैंपेन चलाते, कैंपेन के ऐसा भी सेटिंग नहीं करना चाहिए, नहीं होगा कि अपने ऐसे ऐसे करके कंटेंट डालो, उस तरह उस चैनल पे डालो, इस चैनल पे डालो, आगे इंस्पेक्शन कर लो, उसके बाद चैनल पे डालो, ये सब कुछ का कुछ प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आएगी आपको अगर आपका चैनल में ऐसा रिलेवेंट कुछ रहे तो। और एक बात है, यहाँ पे जो सेंसिटिव टॉपिक्स है, जैसे सेक्सुअल सजेस्टिव एंड ड्रग कंजम्पशन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए आपके चैनल के। और एक बात है, यहाँ पे जो मैच्योर कंटेंट का जो थीम है, ये थीम आपका चैनल पे अगर किसी भी जगह पे हो जाए तो आपका इस टॉपिक्स के ऊपर आके आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं चलता है आपका इसी तरीके के किसी कंटेंट के ऊपर जो मैच्योर थीम यूज़ करते हैं वीडियो के अंदर, या थम चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कुछ
लगा हुआ है ऐसा कि ऐसा नहीं कर सकते, तो उसकी मदद भी आप कुछ नज़र रखते हुए वीडियो बना सकते हो यूट्यूब के चैनल के लिए। जो जो टॉपिक्स या नीच है आपकी, उसी नीच के ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। तो ये सब कुछ पॉइंट के ऊपर नज़र रखते हुए अगर आपने वीडियो बनाएंगे तो आपका जो एडवर्टाइज़र है, एडवर्टाइज़र आके आपका रिलेवेंट टॉपिक्स देख के आपको एडवर्टाइज़ करने के लिए यूट्यूब के ऊपर अप्लाई करेंगे या परमिशन मांगेंगे, तो जाके यूट्यूब आपका चैनल के ऊपर ऐड चला देंगे और आपका रेवेन्यू आना शुरू हो कर देंगे। इसमें जो है ये सब कुछ आफ्टर मोनेटाइजेशन, ये एक बार याद रख लीजिएगा। मतलब 4,000 घंटा या 1,000 सब्सक्राइबर, ये दोनों कंप्लीट होना चाहिए। थ्रेशोल्ड जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको ऐसा नहीं होगा। और एक बात है, एनेबल होना चाहिए मोनेटाइजेशन। चलिए फिर, तब तक के लिए बाय, कल मिलते हो और एक नया वीडियो।